साल 2022 दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराने के लिए भी जाना जाएगा। साल 2022 हम सबसे विदा ले चुका है और नई उम्मीदों से भरा नया साल हमारी दहलीज पर है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं कि राजनीतिक दृष्टि से कैसे 2022 बेहद अहम रहा। 2022 कई प्रमुख सियासी घटनाक्रमों का गवाह भी रहा। केंद्र में 8 साल का कार्यकाल पूरा करने के बावजूद देश की जनता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू कायम रहा। फिर चाहे लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव हो या कोई स्थानीय निकाय चुनाव भी, जहां देखो वहां प्रधानमंत्री मोदी की लहर। इसलिए बीजेपी की राजनीतिक सफलता का सिलसिला 2022 में भी जारी रहा। इस साल 7 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, उनमें 5 में बीजेपी ने जीत दर्ज की। साल की शुरुआत में 4 राज्यों में बीजेपी की सरकारें बनी। वहीं साल के अंत में प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी बीजेपी ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की। इस दौरान विधानसभा के हुए उपचुनाव में भी बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा विभिन्न राज्यों में हुए नगर निकायों और पंचायत चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छी सफलता हासिल की। 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई देशों की यात्राएं भी की। मोदी ने नेपाल के अलावा यूरोपीय देशों के दौरे किए। इसके साथ ही सितंबर 2022 में वो शंघाई सहयोग परिषद यानी SCO की बैठक में भी शामिल हुए, जिसके लिए वो उज्बेकिस्तान तक गए थे। मोदी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 शिखर सम्मेलन में भी भाग लिया। इन सभी यात्राओं के दौरान पीएम मोदी की बातों को पूरी दुनिया ने न सिर्फ ध्यान से सुना बल्कि उनके भाषण, उनके संबोधन को सराहा भी। आइए एक नजर डालते हैं इस साल के प्रधानमंत्री मोदी के कुछ चर्चित बयानों पर जिन्होंने सुर्खियां बटोरी और जिसे पूरी दुनिया ने सराहा। सबसे पहली बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी कि आज का युग युद्ध का युग नहीं है। यह प्रधानमंत्री मोदी का वो बयान है जब वो उज्बेकिस्तान में समरकंद में पहुंचे थे। सितंबर 2022 में पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान के समरकंद में SCO की 22वीं बैठक के दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहा था कि आज का युग युद्ध का नहीं है। मोदी के इस बयान की तारीफ अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने की थी। बाद में उनके इस बयान को बाली में हुए G20 सम्मेलन में भी शांति संदेश के तौर पर स्वीकार किया गया। प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा बयान जो कि साल 2022 में चर्चा का विषय रहा वो है जंग को रोकने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाने की जरूरत। दरअसल इंडोनेशिया के बाली में पीएम मोदी G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंचे थे और पहले सत्र में उन्होंने कहा कि कोरोना और इसके बाद यूक्रेन में आए संकट ने दुनिया में तबाही मचाई है। इसके चलते ग्लोबल सप्लाई चेन पर भी असर पड़ा है। UN भी इन मुद्दों पर कुछ खास नहीं कर पाया है। ऐसे में हमें यूक्रेन रूस युद्ध को रोकने के लिए रास्ता तलाशना चाहिए। हमें यूक्रेन में जंग को रोकने के लिए कूटनीति का रास्ता अपनाना चाहिए और उनका यह बयान चर्चा का विषय बन गया। प्रधानमंत्री मोदी का अगला बयान वो था जिसने विश्व को सोचने पर मजबूर कर दिया। जी हां, वो बयान बुद्ध से जुड़ा हुआ था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बुद्ध बोध भी हैं, बुद्ध शोध भी हैं, बुद्ध विचार भी हैं और बुद्ध संस्कार भी हैं। 16 मई 2022 को प्रधानमंत्री मोदी बुद्ध जयंती के मौके पर नेपाल की यात्रा लुम्बिनी पहुंचे थे। यहां उन्होंने लुम्बिनी मठ क्षेत्र के भीतर एक अद्वितीय बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र के निर्माण के लिए शिलान्यास समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बुद्ध मानवता के सामूहिक बोध का अवतरण है और इसके बाद उन्होंने कहा कि बुद्ध बोध भी हैं और बुद्ध शोध भी हैं, बुद्ध विचार भी हैं और बुद्ध संस्कार भी हैं। जिस स्थान पर मेरा जन्म हुआ, गुजरात का वडनगर, वो सदियों पहले बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। आज भी वहां प्राचीन अवशेष निकल रहे हैं जिनके संरक्षण का काम जारी है। हमें इस विरासत के साथ मिलकर विकसित और समृद्ध होना है। उनका यह बयान चर्चा का विषय बना। रूस यूक्रेन जंग में कोई विजयी नहीं होगा, सभी को होगा नुकसान। यह प्रधानमंत्री मोदी का वो कथन था जिसे पूरी दुनिया ने सुना और सराहा भी। 2 मई को अपने यूरोप दौरे के दौरान बर्लिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्स से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच हो रही लड़ाई में कोई विजयी नहीं होगा, सभी को नुकसान होगा, इसलिए हम शांति के पक्ष में हैं। यूक्रेन संघर्ष से उत्पन्न उथल पुथल के कारण तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। विश्व में खाद्यान्न और फर्टिलाइजर की भी कमी हो चुकी है। इससे विश्व के हर परिवार पर बोझ बढ़ रहा है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा चिंतित होने की जरूरत है। उनका यह बयान पूरे साल चर्चा का विषय रहा। 21वीं सदी के तीसरे दशक की सच्चाई, भारत ग्लोबल हो रहा है।
भारत के संदर्भ में उनका यह बयान 2022 के बड़े बयानों में शुमार हो गया। बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी का यह कहना कि यूरोप की 3 दिवसीय यात्रा पर जर्मनी के बर्लिन में 3 मई को पीएम मोदी ने कहा कि 21वीं सदी के इस तीसरे दशक की सबसे बड़ी सच्चाई है कि इंडिया इज गोइंग ग्लोबल। भारत अब ग्लोबल हो रहा है, हम दुनिया की मदद करने के लिए आगे आ रहे हैं, भारतीयों को हर जगह पहचान मिल रही है। जब मैं करोड़ों भारतीयों से बात करता हूं तो इसमें न केवल वहां रहने वाले बल्कि यहां रहने वाले भी शामिल होते हैं। मेरे शब्दों में दुनिया के कोने कोने में रहने वाले मां भारती के सभी बच्चे शामिल हैं। उनका ये कथन, उनका ये बयान बहुत पसंद किया गया, उन भारतीयों के बीच भी जो देश से बाहर रहते हैं और उनके बीच भी जो देश के भीतर हैं। अगले बयान का रुख कर रहे हैं। बर्लिन में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर नहीं डालते। पीएम मोदी ने आगे कहा कि आज का भारत इनोवेटर्स के पांवों में जंजीर डालकर नहीं बल्कि उनमें जोश भरकर उन्हें आगे बढ़ाता है। पीएम मोदी आगे कहते हैं कि न्यू इंडिया सिर्फ सुरक्षित हाथों के बारे में नहीं सोचता, ये जोखिम लेता है, नवाचार करता है, इंक्यूबेट करता है। मुझे याद है कि 2014 के आसपास हमारे देश में मात्र 200-400 स्टार्टअप कंपनियां थी, लेकिन अब देश भर में 68,000 से ज्यादा स्टार्टअप हैं। आज सभी वैश्विक मानकों का कहना है कि इनमें से कई दर्जन स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन चुके हैं। ये केवल यूनिकॉर्न तक ही सीमित नहीं है, मैं गर्व से ये कह सकता हूं कि मेरे देश में कई यूनिकॉर्न अब डिकॉर्न बन रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर को पार कर चुके हैं। उनका ये बयान और भारतीयों के लिए उत्साह दोनों एक साथ निकल कर आया। जो लोग हमारे देश में निवेश नहीं करते वे निश्चित रूप से चूक जाएंगे, ये पीएम मोदी ने तब कहा जब वो अपने यूरोप यात्रा के दौरान 3 मई को डेनमार्क की राजधानी पहुंचे थे। पीएम मोदी ने डेनमार्क की प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिकसन से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इन दिनों सोशल मीडिया पर फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट शब्द का प्रचलन काफी तेजी से बढ़ रहा है और भारत के रिफॉर्म और निवेश के अवसरों को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग हमारे देश में निवेश नहीं करते हैं वे निश्चित रूप से चूक जाएंगे। उनका यह कथन एक संदेश भी था और उनका यह कथन अपने भारत को विश्व पटल पर एक अलग ढंग से रखने का तरीका भी था। डेनमार्क पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि भारतीयों के सम्मेलन में मैं ये कहना चाहता हूं कि पर्यावरण के लिए हमें अपनी जीवन शैली को बदलना होगा। यूज एंड थ्रो नीति हमारे ग्रह के लिए बेहद खतरनाक है, नकारात्मक है। हमारी खपत हमारी जरूरतों से निर्धारित होनी चाहिए, ना कि हमारी जेब के आकार से ये तय हो। पीएम मोदी ने कहा कि जब मैं दुनिया भर के नेताओं से मिलता हूं तो वो भारतीयों के शांतिपूर्ण और मेहनती स्वभाव के बारे में बताते हुए कभी नहीं थकते। समावेशिता और सांस्कृतिक विविधता भारतीय समुदाय की ताकत है। उनका ये बयान सभी ने सराहा था क्योंकि ये पर्यावरण को लेकर दिया गया बहुत बड़ा बयान था। वहीं ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में पीएम मोदी का बयान कि आतंकियों को नामित करने में एक दूजे का सहयोग करें, यह भी विश्व भर में खासा चर्चित हुआ था। 25 जून 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के वर्चुअल मीटिंग में कहा कि सदस्य देशों को एक दूसरे की सुरक्षा चिंताओं को समझना चाहिए और आतंकवादियों को नामित करने में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि इस संवेदनशील मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करके आगे बढ़ाना चाहिए बल्कि इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए। उन्होंने ये बात चीन की ओर से संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति के तहत पाकिस्तानी आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी के रूप में नामित करने के और भारत और अमेरिका के कुछ संयुक्त प्रस्ताव को रोकने के कुछ दिनों बाद कही थी, जिस पर की चर्चा तेज हुई। पीएम मोदी का वो 10वां बयान जिसे लेकर विश्वभर में चर्चा हुई। पुडुचेरी में पीएम मोदी का वो बयान जो कि विश्वभर में चर्चा का विषय रहा वो ये था कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत हालातों में थोड़ा मुरझा जरूर सकता है लेकिन मर नहीं सकता। प्रधानमंत्री मोदी का ये बयान विश्वभर में सुना भी गया और सराहा भी गया। चीन से तनाव और झड़प के बीच हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बयान दिया था और कहा था कि भारत वो अमर बीज है जो विपरीत परिस्थितियों में भी थोड़ा दब जरूर जाएगा लेकिन मुरझाएगा नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने 2022 में विश्वभर के तमाम देशों की यात्रा की और उनके ये वो बयान थे जो कि विश्वभर में सुने गए, सराहे गए और अपनाए भी गए। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।